अच्छा एक बार ईद मुबारक बोल दो। चलना तो बहुत था ना, आते थे ईदगाह दुनिया पे एहसान नहीं और दुनिया को डरा देते हैं। लाइन लगाए हैं सब लोग भैया मेले में बारिश। हाँ अब्बा ईदी हाँ दे, हम नहीं लेके आए किसी को, पहली बात तो हैं राहिल भाई आज बहुत मेहरबान है। अजीब जानवर है, जितना भी कहे भूखे के भूखे रहते हैं। पानी तो और चेहरा तो लड़की उधर खड़ी हो गई है, मेकअप बचा रही है अपना कि पानी भीग नहीं है, चेहरा ना दिख जाए इसलिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अभी हम लोग नमाज पढ़ के आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग क्या सब आएंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे और आज सब हम लोग क्या आते हैं, सेकेंड डे को हम लोग सब क्या जाते हैं। तो अभी देखिए आज क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग में चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग आज यहाँ से। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप लोग ब्लॉग में आगे चलिए। मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि हम लोग के जो रिलेटिव्स हैं उनमें से एक किसी की तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन अब वो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। तो बस वही हम लोग समझा रहे थे कि सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो ये देखिए आउटफिट दिखा रही हैं अपना, अमन भाई ने इनको गिफ्ट करा था। तो बस डैडी भी कहने लगे चलो भाई एक दो फोटो शूट कर लिया जाए, तो हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए। आप लोग बताइए कैसी आई हैं। तो भाई मेहमान आने बस शुरू हो गए हैं और हम लोग सबका वेट कर रहे थे क्योंकि ईद वाले दिन नींद बहुत आती है, तो हम भी सो गए थे। तो बस देखिए हमारा भी चेहरा थोड़ा सोया सोया लग रहा है। तो बस मेहमान आने लगे, ये सब मामू लोग हैं, कज़न लोग हैं, आप सबको जानते होंगे। तो बस चलिए आप लोग ब्लॉग में देखते रहिए और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए आप लोग ईदी मिलना शुरू हो गई है क्योंकि मामू लोग भी आ गए हैं। और ये फराज़ को देखिए पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहा है, इसके फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी तो इसने मुझसे पिन ली और कुछ चेक करने लगा। और यहाँ मम्मी मधु मैम से बात कर रही हैं क्योंकि वो अब की नहीं आ पाई थी कुछ इशू की वजह से। तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं मैम से और मैम को मिस भी कर रहे थे। खैर आप लोग इन्जॉय करो और ये एक दो क्लिप्स लगा दिए जो इकरा ने शूट करी थी मेरी, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।
तो रात के 8:30 बज रहे थे और हम इन लोग का वेट कर रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो रुमान से फिर मांगा तो इसने मुझको छोले दिए, सेवई दी और भी एक दो चीज़ें दी जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो खैर मैंने इन्जॉय करके खाया और साथ में बैठ के इन्जॉय करने का तो मज़ा ही अलग होता है, जैसा कि आप लोग क्लिप्स में देख ही रहे। तो ये हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पे हम इन लोग को बहाने से बाहर लाए थे क्योंकि हमको ईदी चाहिए थी, अंदर तो ये लोग देने से रहे थे। तो बाहर हमने कहा इन लोग को सही से कैप्चर करेंगे और ये देखो मेरे डॉगी लोग आज कैसे खेल रहे हैं। तो अभी हम चलिए इन लोग से ईदी मांगते हैं, देखिए क्या होता है। लाओ भाई ईदी लाओ, तुम लोग आज की ईदी बड़े हो यार तुम लोग। भैया इधर फोन रख दो मिनट बात कर रहे हैं भाई, ईदी दे दो 100-200 रुपए दे दो यार। तुम लोग बड़े हो अब यार, कुछ अमान यार ईद वाला पैसे दो यार, कुछ दो यार। सब की तरफ से चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। आपको निकालिए छोड़, अबे यार अच्छे लग रहे हो यार तुम लोग, आपके अच्छे लग रहे हो। आपकी पिछली बार नहीं अच्छे लग रहे थे, आपकी अच्छे लग रहे हो, आपकी नूर है चेहरे पे। अनस को देख भैया। तो ये देखो आप लोग, ये लोग आ गए घर पे और ये अनस जा रहे हैं वॉशरूम क्योंकि ये सब लोग लखनऊ से आए हैं और 3-4 घंटे से आए हैं और सब लाइन बाय लाइन वॉशरूम जा रहे हैं। तो हमने कहा मतलब हद ख़त्म करो। तो हमने इन लोग को शूट करना था तो मैंने सोचा लो इन लोग से बहाने बना के कहें कि फ़ोटो खींच रहे और व्लॉग शूट कर लें क्योंकि ये लोग बनवाते नहीं। तो इनको देखो फुरकान तुरंत समझ गया, एक्सप्रेशन से आप लोग देख लो इसके, तुरंत समझ गया, इसमें बता दिया कि यहाँ व्लॉग शूट हो रहा है। तो देखिए आप लोग, ये कुछ ग्लिम्स थे जो मैंने लगा दिए और आई होप आप सबको ये पसंद आ रहे हो। पोजर आ रहे हैं, दे दो थोड़े से पीछे डिग्गी में। तो बस मेरे फ्रेंड्स भी जा चुके हैं और घर वाले भी जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई एक आज फैमिली फ़ोटोज़ ले लिए जाए। तो हम लोगों ने वो लिए विद फ़िल्टर और विदाउट फ़िल्टर। तो आप लोग बताओ कौन सी फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी आई हैं। और ये देखिए घर वाले भी जा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई थोड़ा बहुत शूट कर लें आज का, और कल का तो आगे है ही इसके। भैया हेलमेट देख लेना अंदर। मामू हेलमेट है? तो आज ईद का day 2 है और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नानी क्या जाएंगे, सारे फ्रेंड्स क्या जाएंगे। आज सब कहीं जाने का दिन है क्योंकि कल सब आ चुके हैं। मोस्टली आज चमनीगंज का ज़्यादा सीन रहता है क्योंकि आज वहाँ मेला भी लगता है। तो बस चलिए बिना देर करे चलते हैं वहाँ और आपसे मिलते हैं आगे व्लॉग में। गाइस हम लोग आ गए नानी के घर और अभी आप लोग को मिलवाते हैं सबसे। तो चलिए आज देखते कौन कौन है। हेलो गाइस, आज मैं निकाला मम्मा के घर आ गई हूँ, अभी मैं जाऊँगी मेले में। पहले अपना नाम तो बताओ। नहीं नहीं मैं संभीला बस। और ईद मुबारक बोलो सबको। ईद मुबारक मम्मा, मैं मेकअप करने जा रही हूँ। तो ये देखो आप लोग, हम लोग आ गए मोहम्मद अली पार्क के सामने और ये देखिए तौहीद को यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेले जाने की शायद तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए आप वारिस भी खड़े हैं यहाँ पे, तो वारिस का फुल लुक देख लीजिए, एकदम ऑल ब्लैक में आज एकदम डैशिंग से बने हुए। तो चलिए आप लोग आगे चलते हैं हम लोग ब्लॉग में और देखते क्या होता है। तो ये हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे डॉली अपने ऊपर रेस्ट कर रही हैं, इनके पैर में चोट थी आप लोग जानते हैं, फ्रैक्चर हुआ था। तो यहाँ हम लोग इनसे वसूली करने आए क्योंकि अब इनकी भी शादी हो चुकी है, तो अब इनसे वसूली हम लोग कर सकते हैं ऑफिशियली। तो भाई देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको आगे वीडियो में दिखाते जा रहा हूँ। हमको ज़्यादा नहीं, बस 1000 दे दिया। अब बड़े हो गए, टीनेजर हैं हम भी, जानते 500 दूंगी आप। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉलिया पिया आपको किसी और ब्लॉग में दिखाई देंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी इनके थोड़ा सा पैर में दिक्कत थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा, अभी देख लो आप लोग, अभी इनके पैर में काफी चोट लगी हुई है, जल्दी ये ठीक हो जाएंगी।
फिर आपको ब्लॉग में डॉली अप्पी की शक्ल दिखेगी। फिलहाल अभी आप डॉली अप्पी के नोट देखिए। वापस ले भैया यार, ईद मुबारक बोल दे सबको। ईद मुबारक। तो ये देखो आप लोग, हम लोग घर से निकल गए हैं बच्चों को ढूंढने, क्योंकि हम लोग के जो छोटे कजन्स हैं वो लोग मेले में जाके पता नहीं कौन से झूले झूलने लगे, जो 2.5 घंटे से अभी तक आए नहीं। तो हम लोग उन लोग को ढूंढने आए हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ का जब एनवायरनमेंट देखा तो मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई। क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही, कितना मज़ेदार सीन है यहाँ का। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ही पसंद होगा, और देखिए आप लोग और इन्जॉय करिए आगे का। क्या कह रहा है यान, बताओ 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 क्या कह रहा है यान, क्या कह रहा है बताओ। लड़की उधर खड़ी हो गई है, मेकअप बचा रही है अपना, कि पानी भीग ले, चेहरा ना दिख जाए इसलिए। ते बड़े वाले हो यार, यार कपड़ा जाएगा, घूमो घूमो घूमो। ये देखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं, न शक्ल न सूरत, दुनिया पे एहसान नहीं और दुनिया को डरा देते हैं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें लेके। तो जब हम लोग पैटीज खा रहे थे तो यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे आ गए, जो कहने लगे भाई मुझको भी दिला दिए। तो मुझको बहुत मतलब ऐसा लगा कि बताओ अगर हम लोग किसी के काम आ सकते हैं तो क्यों ना हेल्प करी जाए। तो उनको भी हम लोगों ने खिलाया, और ये 2-4 छोटे बच्चों को बताशे खिलाया जो पीछे खा रहे हैं फ्रेम में। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में। कुछ लोगों को होता है जो नहीं करते, लेकिन मुझे तो मानना है कि करना चाहिए। अजीब जानवर है, जितना भी खाए भूखे के भूखे रहते हैं, अजीब जानवर। राहिल है मैं जोड़ते हुए घड़ी को बीच मेले में। तो मैंने अयान को मारा मेले में और मेरी घड़ी गिर गई। तो इसने मेरा कैमरा ऑन करके देखने लगा कि जोड़ने लगे हम घड़ी। तो कह रहा है तुम इतनी टेंशन में क्यों अपने भाई की घड़ी लगा के आए हो। तो मतलब हद है इन लोग को, हर जगह शुरू हो जाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से आए निकले, सोचा कि चलो जाए फुरकान के। तो वहाँ से फुरकान के, और ये आरिफ की आप फ़ोटो देखो कितनी फ़नी दिखा रहा है फराज। तो हम लोग यहाँ आके बैठे, और ये देखिए आप लोग जो उठ के गया अभी, कह रहा है कि भाई यही है ब्लॉगर, यही ब्लॉगर। मतलब कितना प्राउड फील होता है ब्लॉगिंग करने वालों को। तो ये देखो फिर फराज बताने लगे कि मुझको थोड़ा सा डार्क सर्कल्स हो गए रमज़ान में जाग जाग के। हमने कहा मतलब तुम्हारा तो हद ही है। और फिर हम लोगों ने बिरयानी इन्जॉय करी, और ये देखिए लिटिल क्यूटी पाई जो बैठा है हम लोग का, अब इसके साथ भी हम लोग बाहर खेलेंगे। हमारे इधर देखो, ओए अमन 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 अमन। तो ये कुछ रात के 2 बजे का सीन था, जहाँ हम लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, अपनी बातें ही नहीं ख़त्म होती हम लोग की, क्योंकि कभी कभी तो इंसान मिलता है प्यार से, बातें हो जाती हैं कुछ। तो ये था हम लोग का आज का ग्लिम्स। और मामी इतनी टेस्टी चाय बना के लाई थी, तो फिर हम लोग ने वो पिया और फिर घर के लिए निकले, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो फरहान भाई ने मुझको छोड़ दिया और बस फिर हम लोग आके सो गए। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अल्लाह हाफिज़।